अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। अच्छा जी, आज देखें यकम जून हो गई और माशाल्लाह वेदर नवंबर वाला चल रहा है। कितना प्यारा वेदर है। और आज बारबेक्यू का भी प्लान है, रात को बारबेक्यू होगा इधर। अगर बारिश वगैरह आई तो ये शेड लगा, इधर बारबेक्यू होगा। और मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आज तो नहरी पानी भी आ रहा है खाले में, वरना रोज़ इधर गंदा पानी आ रहा होता और इतनी स्मेल होती है। ये देखें माशाल्लाह हमें जगह भी कितनी प्यारी मिली हुई है। ये भी पौधे छोटे हैं, जब ये दरख्त बन गए ना तो इधर एक जंगल का नज़ारा आएगा। ये सारे दरख्त होंगे बहुत बड़े बड़े, आगे से वो देखें दरख्त मिले भी हुए हैं आपस में। अच्छा जी, अभी करते हैं जी बारबेक्यू की तैयारियां रात के लिए, और अब मिलते हैं रात को। अच्छा जी, बारबेक्यू में सबसे मुश्किल काम है आग लगाना। आग चल रही है, रोटी भी आ गई है, मटका चिकन है, ये कैंटी है, टिक्का रोटी है और मलाई रोटी भी है। वैरायटी इस दफ़ा ज़्यादा है, इसमें पकेगा मटका चिकन और दूसरी अंगीठी पे प्रोटीन कबाब और टिक्का रोटी। और ये साहबजादे हमें बहुत तंग कर रहे हैं, सांस ही नहीं लेने दे रहे, इसको फीटर देते हैं। अच्छा जी, अब बारी आ गई है कबाब लगाने की, जरा मटेरियल तैयार करना। ये इसको चाहिए कोई 5-10 मिनट, बड़ा मज़े का पकेगा ये मटका चिकन, बेहतरीन है जी। आग चल चुकी है और सीखें भी तैयार हैं। ये देखें पहले आ गए खाने के लिए, चेक करो देख कैसे रही है। इसको हड्डियाँ ही मिलनी है बस। चलिए कीमा, मलाई रोटी और चिकन टिक्का, ये है कैंडी चिकन। टिक्का रोटी लग रही है इस टाइम, और ये मटका चिकन, और ये देखें भिजियाँ कैसे इकट्ठी होगी। तैयार बैठी हुई है बेचारी, पता नहीं कब की भूखी है। अच्छा जी, ये देखें इस टाइम हर चीज़ पक रही है और बाकी सब वेट कर रहे हैं। बारबेक्यू में वेट करना बहुत मुश्किल काम है, और जो बेचारा बारबेक्यू लगा रहा होता है उससे पूछ के देखें ना, उसकी भी बात सुनी। ले जी, बारबेक्यू तैयार हो गया, और इसको खाने के बाद एक घड़ी ऑर्डर की थी वो भी आ गई है, उसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, एक घड़ी ऑर्डर की थी आ गई है, बड़ी माशाल्लाह अच्छी लग रही है, तो अभी इसकी होगी अनबॉक्सिंग। और देखें जो ऑनलाइन इन्होंने दी हुई थी डिस्क्रिप्शन, वो सारी हों उसमें चीज़ें, तो इसकी हो रही है अभी अनबॉक्सिंग। इसका नाम है ज़ीरो बोल्ट, और बड़ी खूबसूरत इसकी पैकिंग हुई हुई है। और ये खुलनी कहाँ से है? अच्छा, यहाँ से लें जी। देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, उम्मीद है चलाने में भी अच्छी होगी और यूज़ भी इसका अच्छा होगा। बड़ी अच्छी पैकिंग तो अच्छी है यार इसकी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। अच्छा जी, ये इसका यूज़र मैनुअल आ गया। यूज़र मैनुअल है, साथ इन्होंने स्टिकर दिया है ज़ीरो का, इसके लिए ज़ीरो कंपनी है, ज़ीरो वाट का बल्ब नहीं है। ये वॉच है, वॉच पैसे लगे हैं बड़ी। ये इसके स्ट्रैप्स हैं, अच्छे हैं काफ़ी। ये इसका चार्जर है,
चार्जर भी काफ़ी अच्छा है देखने में लग रहा है, मैं तो अब इस्तेमाल करके पता चलेगा। ओके जी, अब आते हैं वॉच की तरफ। उसकी बड़ी अच्छी मैंने पैकिंग की हुई है। ऑर्डर करते वक्त बस मैं डर रहा था कि जो चीज़ है वो ही आए, क्योंकि काफ़ी महंगी आई है, तो चलें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। चलें इसको करते हैं स्टार्ट और इसकी अब सेटिंग करते तो फिर इसका एक आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं फाइनल। नहीं जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी वॉच है।